जय जगन्नाथ। हे दर्शक बंधुगण, श्रोता बंधुगण, भक्तिमती माँ मान, आपण एपर्यंत भगवान लीला कथा, बेश कथा, ये सब आप श्रवण कर चिंतन मनन कर दर्शन करमें पंचुक पांच दिन एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी एवं चतुर्दशी, ये चार दिन बेश संपर्क आपन को सम्यक अवधारणा देचु। आज जितेबले पूर्णिमा तिथि, पद्मपुराण उत्तराखंड रे एक भगवत आराधना पाई प्रशस्त मास, श्रेष्ठ मास ये कार्तिक बोली कहा जाय छी। एवं ये कार्तिक मासर ये पूर्णिमा तिथि रे महाप्रभुंकर हुए राज राजेश्वर वेश। एवं खाली सेतिक नु, एई दिन आपण माने जानंती आम उत्कलीय परंपरा अनुसार जितेबले साधव पुओ माने व्यवसाय वाणिज्य रे रत थिले, से माने एई आका मा भई ये कथा को मानुथिले। प्रकृतरे शब्दटी थिला आका मा माँ भई, दीटा माँ थिला, किंतु अपरहंश क्रमे समय क्रमे दीटा माँ न कि गोटे माँ हो गला। माने तार कहिवार उद्देश्य होची आ का माँ, तमाने आषाढ़ ठारु कार्तिक माँ माने नास्ती अर्थरे जाओ नाही, आषाढ़ ठारु कार्तिक पर्यंत जाओ नाही, तापरे व्यवसाय करियो जेहेतु काल अशुद्ध, जेहेतु तापरे तमे जीव एवं वर्षा ऋतु रे कोनोसी व्यवसायी तार व्यवसाय करियो जाइनि, राजा तार युद्ध करियो जाइनि, जगतगुरु मध्ये साधु संत से मध्ये बाहर को जानती नाही, कारण ए समय रे नदी माने रजस्वला थैतांती, तेणु नदी स्नान हुए नाही, तेणु ए विशेष कारण को नेकिरि एवं जेहेतु काल अशुद्ध, तेणु ए परे के जानते तापरे जाओ मा भई। मा भई रो अर्थ होची भय नाही, डर नाही, डरिबार कोनोसी कारण नाही। तेबे जाहौ आज बोइत बंदाण मध्य होई थाए एवं तार स्मारकी भाव में आप देखिए आमे मध्य विविध उत्सव पालन करी थाउ एवं कदली पटुकार डंगा मान करी मध्य आमे भसई थाउ, ता सहित दीप मध्य भसई थाउ, तेणु से स्मृति रही बहित्र लागिला जाई सिंहल दीपरे साधव रमणी माने अति आनंद रे गले बहित्र बंदाई अर्घ्य थाली मान करे हुलहुली देई। लावण्यवती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। तेणु ता सहित आपण देखिबे आज रे जो कार्तिक पूर्णिमा याको मध्ये कहा जाए रास पूर्णिमा। आमे भगवान जगन्नाथ स्वामी राज राजेश्वर बेश संपर्क तो कहिबा, जेहेतु कार्तिक रास कथा जो आपण कहिले आमे सुनिचे गुंडीचा घर को प्रभु जाइथिले एवं सिठे नवरात्रि भितरे तीन दिन सिठे रास करथिले। एठी मध्ये आपण लक्ष्य करिवे श्रीमंदिर जो भितर नीति अनुसार द्वादशी, त्रयोदशी एवं चतुर्दशी एठी मध्य रास नीति पालन हुए, सेटा हो शरत रास। शरत एवं ये जो शरत रास आम जब भागवत भितर को जीवा ताले एठी भगवान जो रासोत्सव करास कर सुंदर भाव में जो आप देखिए जो भागवतर संपूर्ण भितर दशम स्कंद सार, दशम स्कंद भितर रास पंचाध्यायी सार, रास पंचाध्यायी भितर जमी आपणकर कार्तिक मास मान भितर कार्तिक श्रेष्ठ, कार्तिक भितर पंचुक श्रेष्ठ एवं पंचुक भितर जदि कहीं पांच दिन न करी पारिला ताहले पूर्णिमा हूँ सर्वश्रेष्ठ। तेणु आज हूँ से पवित्र कार्तिक मास शुक्लपक्ष पूर्णिमा, ये पूर्णिमा दिन महाप्रभु सुना बेश हूँ, तेणु जिते बेश होता आप जो चार पांच दिन सुना बेश हूँ मंदिर भितर चार थर जो सुना बेश हूँ ये हूँ एक अन्यतम बेश एवं कार्तिक मासर जो बेश राजराजेश्वर बेश बोली कहा। आम सियाड़ी पछे जावा भगवान पिता रात्रि शरदोत् फुल्ल मल्लिका बिक्षरंतु मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रित। तेणु भगवान शरदोत्फुल्ल मल्लिका शरत रास, तेणु भगवान रास करिवार उपक्रम एम आरंभ कले कले बाजिला बाजिला वंशी बाजिला बाजिला रे राधा नामे मोहन वंशी बाजिला बाजिला रे। भगवान वंशीवादन कले जो राधा राधा सपत सुरे बाजरे बाजो वंशी मोरो राधा राधा सपत सुरे बाजा बाजिला शब्द पचारे गोपी मैंने कौटे शब्द आसुचे किए बाजा बजाऊ वृंदावन बंसी के बजाइला एक राधा राधा नाम राइला वृंदावन बंसी के बजाइला जार फलस्वरूप कले जमुना बहे जानी
केही न पारिले जानी जमुना बहे उजाणी केही न पारिले जानी झर झर मकरंद बहिला एका राधा राधा नाम राइला। जेतेले भगवान तांकर अपूर्व वंशी रे पंचमतान तोलिले सेतेबेले आपण देखिछंती ये समग्र जड़ चेतन समस्त अभिभूत द्रवीभूत होइगले एवं समस्त जगत संगीतमय गानमय ब्रह्ममय होइगला एवं सेइबलि स्थिति रे से निर्दिष्ट भाव रे गोपीमानकर प्रत्येक गोपींकर नाम धरिकि डाकुछंती गोविंद विचार इंद्रंती मने आजर मीमा वृंदावन षोलस हस्र गोप नारी मोतेव रिले तप करी मु आजि से मोर भकत विश्वास आज से मानकर आशा को मु पूर्ण करिवि एते विचारी नर हरि घेनिले विरह मुरली आपण देखिबे बंशीडा कोई नाम धरी क्षणेशु नीले कर्ण डेरी गोपी मान कान दे शुणुंती कहले आहा कि अपूर्व तान धन्य गोकुलवासी धन्य धन्य ब्रजपुरवासी कहीं वंशी शुणिले कौन हुए कहले बाजिले मोहन वंशी पतिव्रता दंभ पकाए ध्वंसी सजनी रे धन्य धन्य ए गोकुलवासी सजनी रे बाजिले मोहन वंशी पतिव्रता दंभ दिए विध्वंसी सजनी रे धन्य धन्य ए गोकुलवासी सजनी रे। तेणु आज जो वंशी बादल करुछन्ते प्रभु ये कौन से वंशी डाकुची कले प्रथम रंध्र रे वंशी मलय बहिला द्वितीय रंध्र रे राधा कदम्ब फुटिला भगवान जो षडंध्र रे तांकर वादन कले अंगूठी देकर बजेले वंशी से वंशीर प्रथम रंध्र बाहला वंशी मलय पवन को बुहाई देला चारिआड़े मलय बहिला एवं द्वितीय रंध्र रे राधा कदम्ब फुटिला कदम्ब वन रे कदम्ब माने फुटी उठिले एवं तृतीय रंध्र रे वंशी गोपी नाम डाके राधा ललिता विशाखा एहिटी प्रकटे आपण जो कथा कहते ना धरिकी गोपी डाकुला और गोपी मान अवस्था कौन है क्षण सुनिले कर्ण डेरी वंशीडा कई नाम धरी जी जो अवस्था थे किए गाधोला से तार गाधेवा से रहा आपण देखिबे किए तांकर पिलांगु खायाकु दोउथिला से सेय अवस्था रे रहिगला से आउ खायाकु देइ पारला नै किए गुरुजन मानकर पाद सेवा करूथिला से सेय अवस्था रे रहिगला से आउ सेवारे आगुकु जाइ पारला नै किए रांधुथिला से रांधिबा कथा कुआडी कि गला से मध्ये आउ रांधणा रे मन देइ पारला नै एवं समस्ते जे जो अवस्था रे थिले एवं किए प्रसादन सामग्री नै कि व्यस्त थिला से आउ प्रसादन कु व्यवहार करि पारु नै एवं एपरी विस्फोरण आसीगला जे आपण देखिबे गळार जो हार पकेबा कथा से हार को कटिसूत्र कर गोपी माने बांधिले कटिसूत्र को बेकर हार कर पकाइले एवं तांकर जो बाहुर बाजुबंध को से माने पादर नुपुर कर पिंधि पकेले पादर नुपुर को हस्तर किंकिणी कर पिंधि पकेले एमिति विभ्रम सृष्टि करदेला कहीं कहार देह ज्ञान भितर आउ रहिले नाही एवं कहिले जे यही मुहूर्त तो आमको बाहर को पड़ो चल चल सखी चल 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 अरे ये मोहन वंशी आमको मोहित करमें रहीपरुनि आम रहीपरुनि समस्ते अटकाउंट कहले ना ना किसी बाधा विघ्न विपत्ति किसी आम मानवुनि आज थल कूल किनारा किसी ना सबको तो भगवत कृष्णगला सब आड़े कौन भगवान को देखिले से दौड़िले घर छाड़िले द्वार छाड़िले पति छाड़िले पुत्र छाड़िले सबू छाड़ भगवान पाखु दौड़िले एवं गला बेले कौन है कहले राजा काश से शोभना घत घना सा जामिनी जामिनी जा सौंदर्य गुण नुता पतिरता सा कामिनी कामिनी राका शशि शोभना से दिन रात्रि इमित हो शशि संपूर्ण भाव में पूर्ण शशि एवं राका माने नक्षत्र माने से संपूर्ण भाव में आकाशे विद्यमान अच्छा अपूर्व रात्रि झलक जोत्सा विखरित विछुरीत हो गोपी मैंने दौड़ दे भगवान पाखे जीवन काल होइला बेणु सोन समस्त कह ना तुम राति अधरे जाओनी ना 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 आमको जीवाक पड़ो ना आम बंची पारू ना आम जीवे मु पलैसबू क्षणे मुरली नाद शुणी
आंभे आसीबू यही क्षणी जिते बंधन थिला भक्त कवि अभिराम परमहंस देव से सब बंधन मो काटी प्रभु तुम बंधन रे नियो संसार समस्त जिते बंधन थिला सबुता सबुजाक काटी गोपी माने आज समस्ते आगु को आगो गति कर चलिले निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण ललित मानसा ब्रज स्त्रिय कृष्ण ललित मानसा गृहीत मानसा तेणु ब्रज स्त्री माने भगवान को हृदय भितर बसई वचन को से संपूर्ण भाव वचन आकर्षित हो जाती तेणु स्वामी की छाड़ी घर को छाड़ी पिला को छाड़ी जन्मित छुआ को छाड़ी से चली जाती भगवान पाखे पहुँची भगवान ओलटिक पचारे गोपांगना माने तुम्हें कुआडे आइलो जिते ये जो प्रश्न आसे मनरे जे रास लीलार कथा जिते आसे उपद्घात पर्व जे जदि वंशी समस्त जगत को आकर्षित करूला समस्त आकर्षित हो जा कथा ताल पुरुष मैंने कहीं आसिले ना से तार उत्तर आप शुणिले जे कृष्ण गृहीत मानसा ये गोपी मान मन को सी ग्रहण करे से जो मानक से प्रकृत आकृष्ट करने को चाहिए जो मानक मन तद्भाव भावित हो जाता से गोपी नाथ गोपी की डाकबे ना ही डाकबे ये तो गोपी नाथ गोपीनाथ तेणु गोपीनाथ वंशी केवल गोपी की डाकिला तेणु से कहगला जितेबाला बाजिला वंशी कहे किए आसिले कह तृतीय रंध्र रे वंशी गोपी नाम डाके राधा ललिता विशाखा एहि प्रकटे चतुर्थ रंध्र रे तरु हुए पल्लवीत पंचम रंध्र रे हुए जमुना स्थगीत षष्ठ रंध्र रे वंशी राधा नाम धरे सप्तम रंध्र रे वसी शिव मनोहरे आपने शुणुले भगवान जो रास प्रसंग आम आलोचना करुच्छे शुणुले रासर अयमारंभ पर्व प्रथम अध्यायर पर्व जो पर्व भगवान कृष्ण गोपी मान आकर्षित कर डाकी एवं डाकि सारापर फेर ओल टे प्रश्न पचारे हे गोपी मैंने तुम इटे कि कहीं हूँ रासेश्वर एवं उपनिषद घोषणा करुंजे रस वैस महानारायण उपनिषद जो कथा कहले जे सी हूँ एकम्र रस भगवान हूँ एकम्र रस कृष्ण हूँ एकम्र रस एवं सबु रसर मध्य सी हूँ समान देखु ना भगवान जगन्नाथ को कहलानी कहे रस आनंद राधा सरसर पुरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी तेणु सी हूँ जगन्नाथ स्वामी तेणु गोपी मैंने कहले आम स्वामी पाख को आम आसीचु कह घरे तो स्वामी की छाड़ी आसीच ना सी तो हूँ पति आपण हूँ जगतपति तेणु आम पति की छाड़ी जगतपति पाखक आसीचु हे जगतपति आम को आम इच्छा पूर्ण कर हे गोपीनाथ ये गोपी मान को उद्धार कर तेणु गोपी मैंने जो संपूर्ण भाव में शरण को जाइंट भगवान रस रास आरंभ हो भगवान कौन कौन पर आसिल मो कथा मन पड़ा हाँ है जी मन पड़ा मत तो देख ल दर्शन करदे एवं फेरी जाओ ना ना आम फेरी जापरू ना ओहो हो ब्रज को विपत्ति पड़ा कि मुझे के विपद आपद तुमको रक्षा करपत्ति आसला कह ना ना कि विपत्ति ना ना तो तुम कहीं आसीच तुमको जगिक अच्छा तुम गुरु गुरुजन मैंने पांच हाथिया ठेगा सब धरिकी तुम स्वामी मैंने अनेक अच्छा गले तुम अवस्था कौन बोली कौन हो अरे मु कहूँ फेरी जाओ ये निशार्थ काल में तुम कहीं वृंदावन परिमंडल भितर आसी एकत्रित कौन पर आसीच फेरी जाओ प्रभु कहते फेरी जाओ ब्रजांगना माने गोपी माने कहते जे ना आम फेरी जावाक ठीक आसीन कारण अनेक जन्मर जप तप व्रत जाग यज्ञ तपस्या आराधना पूजन भजन कीर्तन सबू जो एकत्रित हुए आपण को पदारविंद तल को आसवार सुजोग टिके मिले आम एत दूर जो आसिलु आम आउ फेरी जापरबू ना अरे तुम तठिक कौन पर आसीच ना आउ कौन आम चाहू तुम्हें कौन अंतर्जामी एति बुझीपुन जितेबले आपणकर से ही अधर रस सुधा आम पान करने को चाहूँ तेणु से ही अधर रस तोर से अधर रस आंभर उपरे बरस तुम्हें आमरी उपरे से रस को वृष्टि कर दियो आम तुम से रस सुधा पान करने को आसीचु हे प्रभु आम को निराश कर ना निराश कर ना रास एक मंडलाकार नृत्य विशेष आलंकारिक मान दृष्टि तेणु भगवान श्रीकृष्ण मध्य भाग रही षोल सहस्र गोपी तेणु समस्ते नृत्य करुँचंती गीत गाँव ये अपूर्व अपूर्व सुंदर जो महाराज
श्री अभिराम राधे राधे श्याम श्याम बाजे वंशी अभिराम। वंशी बाजुची भगवान गोटे गोपी गोटे कृष्ण गोटे गोपी गोटे कृष्ण होती किसी समय पर से रंग बदली जाऊँ भगवान चारिपटे गोपी मान अच्छा मझे कृष्ण अच्छा से गोटे प्रकार रही केत गोपी मान कंधे हाथ को रखि भगवान खेलुंच नृत्य करुं विभिन्न अंगे महाप्रभु स्पर्श कर समस्त आनंद दान कर ये तो निजे होती स्वरत वर्धन आनंदवर्धन प्रभु तेणु आनंदवर्धन करमतीजे कृष्ण नाचे राधा नाचे नाचे गोपीगन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगन मन मेरे मन गई सखी रे मधुर वृंदाव। किंतु गोपी मान को भीतर एमत नृत्य करी भगवान श्रीकृष्ण रस को आस्वादन करू करू से मध्य गोटे आसला अहंकार जे आंभर प्राय भाग्यवंत नाही नोही बे जगत रमिलु अनादि पुरुष आंभरे होइले से बस तेणु अरे आम पर भाग्यवती आ जगत में कहीं ना ब्रह्मा शिव को जादूर लभ लभिलु आंभे गोपी सर्व भगवान कहले ब्रजांगना मान निश्चित से हेचि ना कारण ब्रह्मा ता भीतर जाइपारे भगवान शंकर जाइपारे कौन पुरुष लोक को आलाउ ना हेलाजे किंतु ये अहंकार अभिमान टीका नु तुम निकट में धरा दे एवं से अहंकार तुमको स्पर्श कला आठी मोर स्थान ना कही प्रभु जिते अंतर्ध्यान हो गले प्रभु जिते अंतर्ध्यान हो जाती ब्रजांगना मान को जगत अंधकार रे परिपूर्ण देखा जा जगत शून्याति शून्य हो जा कृष्ण विनय जे जीवन रे अन्य कथा किसी जानती ना आमर प्राण सर्वस्व प्रभु हे प्राणराम हे पुरुषोत्तम हे कृष्ण कृष्ण कौटी अच क्वासी क्वासी बोले कांदुचंते जिते बेले अभिमान चलीगला एवं भगवान को पाई कांदी कांदी के गोपी मैंने गान करुछंती तो पादे पसिलु शरण आउ न तेज नारायण गोपी मान को जे प्रभु आप किमिति जंगल भितर चालु थिबे जते सुजात चरण भुरु स्थानेसु शनि व्यद अधिकार कसेसु तिनाट भी मट सित तथते न किंसि कृपा धीरे भवते धीरे भवता ईसांगन हे प्रभु ये कंटकित वनमार्ग भितर आप चालु थिबे जते सुजात चरण भुरु स्थानेसु भीता शनि प्रियम ही अधिकार कसेसु तिनाट भी मट सित तथते न किंसि से ही अटवी जंगल भितर भितर से ही पाप बुलु थिबो निश्चित भाव कंटा पशि जाऊ निश्चित भाव रक्त बहुत कितने कष्ट हो प्रभु गोपी मान भगवान को प्रत्येक गुणगान करी प्रत्येक लीला को मन पक कादुचंत हठात भगवान प्रकटित हो गले पुनः मिलन आसला आप देखिए ये गोपी हूँ भक्तिर सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति प्रत्येक इंद्रिय को आपड़ जब कृष्ण सहित मान मिसई पारे कृष्ण सहित गोले पारे ताहले आपनो गोपी ही जाई परिवे जाओ भगवान ने दर्शन देले कले तासांगा बिरव सौरी स्मयमान मुखांबुज पीतांबर धरस्रग्वी साक्षात मनवथ मनवथ। तेणु भगवान संगे संगे गोपी माने तो कांदी पकेले भगवान सबु सहंती किंतु भक्तर क्रंदन को से सही पारंती नाही गोपी माने तो कांदी पकेले भगवान प्रकटित हो गले। एबे राजराजेश्वर तांकर माधुर्य लीलार कथा आपनो सुनिले किंतु एवं ऐश्वर्य लीला को देखु कारण महापुरुष अच्युतानंद कहते रत्न सिंहासन उपरे आपण देखिले जे रथर जिते बसिक प्रभु पलैले गुंडीचा मंदिर सी हूँ माधुर्य खंड कारण सी हूँ सुंदराचल किंतु नीलाचल ये हूँ ऐश्वर्य माधुर्यर गोटे मिश्रण स्थल किंतु सेठी रही केवल माधुर्य ऐश्वर्य माधुर्य वेनी सिंहासन परे विजय करीण छंती चतुर्धारूपरे तेणु भगवान ऐश्वर्य लीला प्रकटित है कारण ऐश्वर्य नहले ऐश्वर्यपंथी मैने जगतर अधिकांश लोक मैंने भगवान को भगवान बोली स्वीकार करती ना मानती ना प्रभुंकर राजराजेश्वर वेश श्रीमंदिर अनुष्ठित हुए एवं आपण मैंने जानती अतीत ओडिशार अनेक राजा महाराजा एपरिक आपणकर पारलाखेमुंडी ठारु धरी एवं आमर मयूरभंज पर्यंत से माने आसुथिले अनेक दूर भगवान राजराजेश्वर वेश दर्शन करने एवं अवकाश नीति पर राजवेश पुष्पाळक सेवक मैंने करती ता सहित रत्न अलंकार सहित पाट वस्त्र एवं विविध पुष्परे महाप्रभु सज्जित हुंती दर्शन दियंती आपण देखिबे जे सुवर्ण त्रिभुज किरीट श्रीपयर कान ओडियाणी चंद्रसूर्य कुंडल चिता चंद्रिका घ
ଘାଗଡ଼ାମାଳି କଦମ୍ବମାଳି ହରିଡ଼ା କଦମ୍ବମାଳି ବାହାଡ଼ାମାଳି ତାବିଜମାଳି ବାଘନଖିମାଳି ସେବତୀମାଳି ଜଗନ୍ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ହଳମୁଷଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚକ୍ର ତ୍ରିଶାଖା ଅଳକା ମୁଖପଦ୍ମ ରୂପାଶଙ୍ଖ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ତଡ଼ଗି ଏମିତି ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁକ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼େ ଛଅ ଦିନ ଧରିକିରି ପଞ୍ଚୁକ ପଡ଼େ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ ତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବାଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଛଅ ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ ହୁଏ। ଇଏ ପଞ୍ଚୁକରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଅପୂର୍ବ ବେଶ ହୁଏ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ। ଏ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପରଶୁରାମ ବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଯଜମାନୀ ବେଶ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ନାଗା ପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯେଉଁ ନାଗା ସଂସ୍କୃତିର ବିଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଶୈବ ଉଭୟ ବେଶ ବେଶ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମର ବେଶ ଏବଂ ଏହି ସମର କଳାର ବେଶ ବିନ୍ୟାସ ୟା ଭିତରେ ଯେତିକି ବିସ୍ତୃତ ରହିଛି ସେତିକି ଶିବତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଶୈବ ଉଭୟ ଭାବନାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ବେଶ ହେଉଛି ଏବଂ ମାନେ କଳିଙ୍ଗା ସାହସିକାହା ସିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୀରବେଶରେ ମଣ୍ଡିତ। ଯଦି ବୀରବେଶ ମଣ୍ଡିତ ସିଏ ନ ହେବେ ସିଏ କ'ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ କାଞ୍ଚି କଟକାଇ କରିଥାନ୍ତେ, ଯୋଧୁର୍ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଅତଏବ ଏଇ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଏ ନାୟଙ୍ଗ ଆତ୍ମା ପ୍ରବଚନେ ନ ଲଭ୍ୟ, ନାୟଙ୍ଗ ଆତ୍ମା ବଳହୀନେ ନ ଲଭ୍ୟ। ତେଣୁ ଯିଏ ବଳହୀନ ହୋଇଗଲା ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ତା ଉପନିଷଦ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯଦି କିଏ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଟିଏ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କେହି କେହି ପଚାରୁଛି ତୁ କାହିଁକି ସୁସ୍ଥ ଅଛୁ, ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୁହା ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଲୋକ ପଚାରେ ଆରେ କାହିଁକି ତୁ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛୁ, କାହିଁକି ତୁ ସୁଖି ସୁଖି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅ, ସୁବଳ ବଳଶାଳୀ ହୁଅ ଏବଂ ନିଜେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ହୁଅ, ପହିଲିମାନ ହୁଅ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ କାଳି ଆର ଭେଳିକି ରେ ରାମା, ଦେଖ କାଳି ଆର ଭେଳିକି ହରି ବୋଲ, ବାର ମାସେ ତେର ଜାତ ଲଗାଇଛି, ବାର ମାସେ ତେର ଜାତ ଲଗାଇଛି, ବେଶ ହୁଏ ଭଳି ଭଳି କି ରେ ରାମା, ଦେଶ ହୁଏ ଭଳି ଭଳି କି ହରି ବୋଲ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲୀଳା ଅପୂର୍ବ, ତାଙ୍କର ବେଶ ଅପୂର୍ବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଅପୂର୍ବ, ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଅପୂର୍ବ, ତାଙ୍କର ନାମ ଅପୂର୍ବ, ତାଙ୍କର ଧାମ ଅପୂର୍ବ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅପୂର୍ବ। ଏ ସମସ୍ତ ଅପୂର୍ବ ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଲୌକିକତାର ସମାବେଶ। ଲୌକିକତା ଯେତିକି ଅଛି ଅଲୌକିକତା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଜି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଜାଧିରାଜ, ତେଣୁ କମ୍ବୁ କଟକେ ରାଜା ଅଟେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚାରିବର୍ଣ୍ଣେ ଚୌବର୍ଗ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ, ଏଭଳି ସମର୍ଥବାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦମାନେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି କହିବା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହେଉଛି ପତିତ, ତୁ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ, ତେଣୁ ହେ ପତିତ ପାବନ ପତିତାନମ ପତିତୋହମ ତ୍ୱମେବ ପାପହାରକଃ, ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ପାପ ଅଛି ଆଜି ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ଥାଇ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଅପହରଣ କରି ହେ ପତିତାନମ ପତିତୋହମ ତ୍ୱମେବ ପାପହାରକଃ, ଏ ପାବନ ପୁରୁଷ ନିଶ୍ଚଳା ଭକ୍ତି ମେ ବିଭୋ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚଳା ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆମର ଭକ୍ତି ହେଉ ଏବଂ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବୋଲାନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।